और बारिश, शदीद वाली बारिश। मैंने मुंह धोने जाना है, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँगी। मतलब सारी रात से नहीं रुकी बारिश, और अभी मैंने सहरी भी बनानी है। शराज भाई बेचारे बिल्कुल भीग कर आए हैं, जब रात को आए हैं वापस तो सहरी बनाते हैं। अब हमारी लाइट बंद थी तो मैंने लाइट बंद में सारी सहरी बनाई है, तो बस बन गई है। आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है और शराज दही नहीं लेके आया। मुझे कह रहा है कि मैं जाऊँगी, मैंने कहा नहीं रहने के बाद पानी बहुत खड़ा होगा, तो कोई बात नहीं, अब आज ऐसे ही सहर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ अंडा और साथ में शामी टिक्की दोनों मिक्स करके। बारिश आज बहुत ज़्यादा हुई है, बाहर मौसम इतना ख़राब है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हल्की सी बिल्कुल रुकी है, लेकिन अभी भी हल्की हल्की हो रही है, मौसम ज़्यादा ख़राब है कुछ। चले अब हम अपना बिछाते हैं दस्तरखान और फिर रखते हैं खाना। सहरी करने के लिए हमने रख लिया, ये देखें ये बाइक अंडा रोटी की है। शराज को हमने मना किया है, हाँ जी कि ना जाए, लेकिन ना वो कह रहे हैं कि नहीं मैं दही लेके आता हूँ, तो अब चले गए हैं। बारिश रुकी है ना, कह रहे मैं इधर पास से ले आता हूँ। आप ये भी अंडा बना रही हैं और हमारी चाय भी बन रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आप सबको रमज़ान की तीसरी सहरी मुबारक। बारिश शदीद होने की वजह से हमने बस जल्दी जल्दी बना लिया, लाइट बंद होने जैसी बनी है तो सहरी करते हैं। फिर सारे दिन आप सब लोगों को कंटिन्यू करेंगे। अम्मी बुक नहीं जगाया क्योंकि पापा काफ़ी लेट सोए हैं बारिश की वजह से, शराज लेट आया तो वो जागते रहे इसका इंतज़ार करते हुए। और मामा ने मेडिसिन खाई रात को, थोड़ी तबीयत उनकी नहीं ठीक थी तो इस वजह से नहीं जगाया। तो बस अब हम सारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, भीगते भीगते आए, भीगते भीगते आया मैं रात को 1 बजे, और अभी भी मैं बारिश रुकी है तो गया हूँ दही लेने। आगे रात को ले जाता हूँ, बस मैं आज नहीं रात को ले गया, मैंने कहा रात को बारिश हो रही थी तो सही टाइम जाके ले आऊँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सही टाइम इतनी ज़्यादा बारिश हुई होगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हमने कर लिया, तो जाय नमाज बिछा ली है, किचन भी मैंने सारा क्लीन कर लिया, लेकिन अभी रोज़ा बंद नहीं हुआ। अभी रोज़ा बंद होने में 10 मिनट बाकी हैं जी। तकरीबन हमने आधा घंटा पहले ही सहरी कर ली थी जी। अभी हम बैठ के तस्बीह करेंगे, नमाज का इंतज़ार करेंगे जी। अजान हो जाएगी तो फिर हम नमाज पढ़ेंगे। तो मिलेंगे आपसे सुबह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं जी बना रही हूँ शाम की अफ्तारी का सामान, कौड़ों का सामान बना रही हूँ। अभी बाज़ार से आई हूँ थोड़ी देर पहले, तो ये देखें मैंने आलू पालक और प्याज काटे हैं, खस्ता पकौड़े बनते हैं काफ़ी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तबीयत बेहतर है। तो रात को बारिश इतनी तेज़ थी, बच्चों ने उठाया ही नहीं, हालांकि उठना चाहिए लाजमी, तो इन्होंने खुद ही रोज़ा रखा, ना मुझे उठाया ना अपने पापा को उठाया, तो खुद ही इन्होंने रोज़ा रख लिया, क्योंकि रोज़ा ये तीनों ही रखते हैं। प्याज साहब ने जुम्मे वाले दिन रखा था। तो अभी मैंने बनाया है पकौड़ों का सामान, सर मैं कुरान पाक पढ़ रही है। शराज अभी सोया हुआ है, अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले, मैं बाज़ार से आई हूँ सब्जी लेके। अपने लिए मैं लेके आई हूँ घिया, और इन लोगों का आज प्लान बिरयानी का है, तो बिरयानी तो मेरे लिए मुजरे सेहत है, वो मैंने और रियाज साहब ने नहीं खानी, हमारे लिए घिया मैं अपने लिए लेके आई। अभी मैं घिया बनाऊँगी और हरमैन मेरे लिए बस बनाएगी। तो आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे भी हिम्मत फीक दे कि मैं भी रोज़ा रखूं। आप यकीन करें बचपन में मुझे इतना शौक था ना रमज़ान का, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से इंतज़ार करती थी रमज़ान का, कब आए कब आए, मुझे इतनी खुशी रमज़ान की। तो जब से ये फातिमा पैदा हुई है ना, तब से मैं बीमार रहने लगी। आप यकीन करें मैंने क्या किया, पता नहीं छोड़ा था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी भी मैं कुरान पाक 2 पूरे करती हूँ, अभी भी माशाल्लाह, अभी 3रा रोज़ा है और मैंने 5 पारे पढ़ लिए हैं।
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हिम्मत से ठीक देगा तो मैं रोजा भी रखूंगी जी। मैंने क्या किया है? तो जब से ये पैदा हुई ना मैं वैसे तो काफी सेहत मेरी हो गई पर वैसे मैं वीक हो गई। अच्छा, नमक मिर्च मसाले और बिरयानी मसाला लहसुन अदरक डाल के रख दिया एक घंटे के लिए हम मैरिनेट करके रख जी। ये क्यों क्या हो रहा है? ये हो रही है बिरयानी के प्रेपरेशन हो रही है और ये शराब की फरमाइश से बन रही है। मुझे काफ़ी दिनों से कह रहा है कह रहा था कि मुझे बिरयानी बना दो। वैसे तो सालन बन रहा है, कद्दू बन रहे हैं आज जी। फ्रेश चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। इधर क्या है? ये नहीं तो लौकी भी गई हुई हैं, बल्लियाँ, फुल्कियाँ। सब लोग अपने अपने ज़ुबान में कुछ ना कुछ कहते हैं, हम भलियाँ कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शादी का टाइम हो रहा है, सुबह की हुई है तो यहाँ पे वो बन रहा है बिरयानी का चिकन बन रहा है। इधर शराब की मैंने रखी, ये जो आपने चिकन मैरिनेट करके रखा था। हाँ जी, वो प्याज ब्राउन करके तो बस वो डाला है। शराब भाई की दाल बन रही है और दही भल्लों का सामान मैंने रेडी किया है। दही भल्लों का सारा सामान रेडी किया, अपना सेलेक्ट पार्ट भी हुई है दही भल्लों के लिए। मैंने कहा मैं काट लूँ, हाथों हाथ काम कर लूँ। काम आज थोड़े ज़्यादा है, टाइम जो है वो शॉर्ट है। पापा भी आने वाले तकरीबन पौने पाँच पाँच 4:35 हो गए तो बस नमाज भी होने वाली है। अम्मी और अबू के लिए सालन भी बना के रखे हैं। कहाँ पड़ा? वो पड़ा मैंने कवर किया है, वो स्टील के छन्ने में है। और चावल खाना मुझे भी बोलो। ये है घिया कद्दू श्री, वही वो चावल रखे हैं। बस इसको अच्छे तरीके से चिकन को गला के तो मैं अब ये चूल्हा फारिग होता है तो ये आप इन्हें प्याज निकाले ऊपर से चावल निकाल के। आपको एक चीज़ दिखाऊं, क्या है ये गैस करें? अब ये रेड मिर्च है कि शिमला मिर्च वाली है? मुझे नहीं पता ये क्या है, ये रेड मिर्च है। ये ग्रीन मिर्च है जो अभी बेबी है लेकिन वो रेड हुई है। अब इसने ग्रीन होना है कि ग्रीन होकर रेड हो गई है? अच्छा, उसमें वो गर्म मसाला डाला पानी में डी फोकस और ये देखें, ये देखें, ये चावलों के लिए पान रख दिया और ये इधर चिकन हो रहा है। और फिर मैंने अपने चाट में चाट मसाला बोतल में रिफिल किया। ये देखें शराज भाई बैठे हूँ, हम बना रहे हैं, उठ के दही ले आओ। पर इस लड़के को सुस्ती बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है। हैं, सुबह क्या सीन हुआ? हाँ, सुबह क्या सीन हुआ था? क्या हुआ था पूछ रहा है, क्या सीन हुआ था? सुबह बारिश वाला, सुबह बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि हमने एक्सपेक्ट नहीं था किया था कि ऐसे होगी। अभी भी मौसम धूप वाला नहीं है लेकिन थोड़ा सा क्लीन है बस। नहीं, बस तो बारिश ना हो भाई, लग रहा है तेज बारिश हो। नहीं, मैं चाहती हूँ बारिश हो, इतनी बारिश हो कि हुडीज वाला मौसम आ जाए फिर से। ऐसा नहीं हो सकता। अनका मैंने इतना बोला था कि अभी एक दफ़ा सर्दी आएगी आएगी, उन्होंने कहा नहीं अब सर्दी गई, अब गर्मी गर्मी। कैसा फिर हुआ? सरप्राइज मिला। हाँ जी, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ नहीं, हाँ जी सही है। वो मुझे पकौड़ों का सामान दो। ये मैं हूँ, स्ट्रॉबेरी नहीं है, मिर्च है, रेड रोज़ा है। भाई पानी डाल दिया, थोड़ी सा गल जाए ना ये फार्मा में। मैंने कहा मुझे वो छोटा चम्मच लेना, ये है चिकन। बस मैं इसकी लेयरिंग करने लग गई फार्म में। अंदर ना कॉल आई हुई है मामा, तो वो सुन रही हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, मैं इसका कलर कैसा हो रहा है? वो लाइट ना, मोबाइल की बैटरी लो हुआ था, इसके फ्लैश नहीं। बस ये जो उसकी चीज़ें ऊपर डालनी होंगी, पुदीना और सब मिर्ची होंगी हमारी, थोड़ा सा दरमियान में प्याज, और इसमें जाएगा फूड कलर। बस फिर मैंने इसको दम लगाने लगी, फिर जब खोलेंगे ना तो आपको दिखाएंगे। कौड़े बना रही है मैंने, मैं यहाँ पर बना रही हूँ टैंग। दो तीन दिन हो गए हमने मिल्क शेक पिया, आज भाई कह रहे थे आज टैंग बनाते हैं, जिस लिए मामा भी पास बैठे हैं। सलाम दो हो गया मामा की। मैंने सुबह सलाम लिया था।
जी अभी मैं नमाज पढ़ी है, तस्बीह कर जी, भाई भी पास ही बैठे हैं। रोदा तो नहीं लगा मेरे पास आज की है, वाकई में मजाक के अलावा बता रही हूँ, आज मुझे रोदा लगा। देखें दही भले आपने बना ली है। राज को ये पापड़ी बहुत पसंद है, बाजार गया था तो आज लेके आया, ऐसी चीज़ें पसंद करता है, चटपटी। और भाई अंदर बैठे हुए नहीं छोड़ती, कौन से काम उधर नहीं छोड़ती। वैसे अम्मी को कह रही हम ड्रामा देख रहे हैं, बताओ बेटा कौन सा ड्रामा तुमने स्टार्ट किया। इश्किया ड्रामा देख रहे हैं, वाले ड्रामे को छोड़ना ना समझे। सारे देख इस लड़के को ना, फिरोज खान इतना पसंद है, इसने उसके सारे ड्रामे कोई नहीं छोड़ा, हत्या कि वो ड्रामा भी देखा जिसमें वो फकीर बना। नहीं नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पे खुदा और मोहब्बत के फेवरेट भी होंगे, वो उनका फेवरेट ड्रामा था। फकीर नहीं वो मलंग बनते वो ये एक ही बात होगी, फकीर मलंग एक ही होते हैं। शर्म कर लो मानो, फकीर और तेरे मलंग। अच्छा सॉरी, बताओ जरा शिराज को, तुमने वो भी देखा है इश्क ड्रामा, वो भी देखा है ना। हाँ शिराज, हाँ भाई का दानिश तैमूर भी बहुत पसंद है, जितने एवल वाले करेक्टर हैं उसको सारे पसंद है। कौन से पसंद है? जितने डबल करेक्टर्स होते हैं। आज रात को रोजा बहुत लगा मुझे तो, आज बहुत रोजा ने टच किया इन दोनों को, रोजा आज बहुत टच कर रहा है ना। नहीं रोजा नहीं लगा। तुम तो 2 बजे उठे, तुम्हें क्या लगा ना, हमसे पूछ हम सोए नहीं सुबह से। मैं रो क्या था ना। नहीं नहीं मैं 12 बजे उठी थी, मैं सो के 12 बजे उठी। मुझसे पूछे जो कैमरे के पीछे, मैं 10 बजे उठ गई थी, 10 बजे उठ के मैंने कुरान पाक पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने मामा के साथ थोड़ा सा काम किया। क्या काम? वो अब मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा ना दूंगी, मैंने किया था, मामा को पता, मामा किया था ना काम, मामा जी बस सुन लिया ना। क्या किया था बताना जरा। मामा को चाय बना के दी थी मैंने, और मैंने दूध भी, दूध वाला आया था, मैंने दूध भी लेकर बॉयल किया था। इतने बड़े काम इसने किए ये देख लिया, और मैं तकरीबन 3:30 बजे की किचन में हूँ, पहले अम्मी के लिए सालन बनाया अपने लिए, इसने बोला था मैं तब से साथ नहीं हूँ, नहीं हेल्प करी, कह दो अब झूठ है, कह दो चले ठीक है आपसे इफ्तार में मिलती हूँ, ये बहस चलती रहेगी। टाइम हो गया है 6:05 और मामा यहाँ पे पढ़ रही हैं कुरान पाक, काम हमारा सब कुछ माशाल्लाह रेडी है। मामा कौन से पारे पे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह जी, छठा छठा पारा। बिरयानी का दम आ गया था तो बस तू कर देना जी, नाले तो बड़े अंकल आए थे पापा, उनको देने गए हैं चावल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं अल्लाह के फजल से। अभी फैक्ट्री से आया हूँ सिर्फ रोज़ा इफ्तार करने के लिए, रोज़ा मेरा है तो नहीं लेकिन फिर भी मैं साथ बैठता हूँ, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे जी। रोज़ा इफ्तार करके तो पापा कह रहे हैं कि मैंने दोबारा फिर से जाना है, आप भी पास ही बैठे हैं, भाई बाहर वजू कर रहे हैं, और मामा नमाज, नमाज नहीं मामा कुरान पाक पढ़ रही हैं, ये देखे पास ही बैठे हैं, पहचानते हैं आप उनको। आज जिसने इफ्तारी करनी है हमारे साथ, 10 मिनट रह गए हैं तकरीबन, तो फिर ना अफतारी के बाद आपसे मिलेंगे। सिर्फ 15 मिनट रह गए या 5 मिनट और दरमियान सिर्फ 5 मिनट की दूरी। नहीं मुझे तो नहीं लगा, बहुत ज्यादा रोजा लग रहा है। नहीं ऐसे ही लगा, मुझे तो नहीं लग रहा, इतना टाइम नहीं पड़ा, 7 मिनट पड़े हैं, 15 मिनट हो गए हैं। हरमियान अभी को लग रहा है इसको सारा टाइम पता है कितने मिनट पड़े, 7 मिनट पड़े हैं मैंने देखा।